So kids, we are starting with Newton's laws of motion. Okay, so we are aware about the three laws of motion. Okay, so I'm starting with the first one, that is Newton's first law of motion. So let's read the definition. Definition padhte hai pehle. Every object remains at a position of rest or uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. ठीक है, चलो इस जो definition है इसको break करके पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, every object remains at a position of rest. हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक अपने रेस्ट के पोजीशन पे रहता है. रेस्ट के पोजीशन पे रहता है मतलब रुका हुआ रहता है. ठीक है, अभी आप बॉल को देख रहे हो, ये बॉल क्या है, रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ है. ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है. ठीक है, या फिर क्या यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, या फिर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, मतलब क्या है कि ये बॉल जो क्या करता रहेगा, आपका मूव करता रहेगा. ठीक है, यानी कि पहला मतलब है कि या फिर ये बहुत ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे रहेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा. ठीक है, सो अनलेस कब तक, लेकिन अनलेस एन एक्सटर्नल मतलब बाहर का कोई फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, कब तक होगा ऐसा, जब तक कि बाहर से अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करने लग जाए. अभी अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ. ठीक है, अभी इमेजिन कीजिए ये एक बॉल है. ठीक है, एक बॉल आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, और मैं यहाँ से अपने हाथ के थ्रू इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ. ठीक है, और ये बॉल जो है मूव नहीं करता, एक पॉइंट तक मूव नहीं करता. जब कब तक मूव नहीं करता, मान लो मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F. ठीक है, और ये बॉडी, ये जो क्या बोलते हैं बॉल है, इसका भी जो फोर्स है यानी वेट है वो भी W है. जब तक ये दोनों बराबर है ना, यानी कि कौन सा फोर्स लगा रहा है, बैलेंस फोर्स लगा रहा है, यानी कि वह बॉल मूव नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब भी मैं करूँ ये फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने हाथ से वो ज़्यादा हो. ठीक है, इस बॉल के वेट से. ठीक है, और एक बार जब मैंने ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स लगाया तो ये बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसी का मतलब है कि अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, सो द डेफिनेशन सीज एज इट इज, अनलेस कब तक होगा ऐसा, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कि एक बॉल जो है या फिर रेस्ट पोजिशन पर रहेगा या फिर मूविंग पोजिशन पर रहेगा. कब तक, जब तक एक बाहर का एक्सटर्नल फोर्स आकर के उस पर एक्ट ना करने लग जाए. ठीक है, ये देखा रहेगा आपने, एक पेंडुलम जैसा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अपैरेटस है, इसमें क्या होता है, बाकी जो तीन जो ऑब्जेक्ट्स, तीन जो स्पीयर्स दिए हुए हैं वो रेस्ट पोजीशन पे हैं. और कब तक रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, जब तक एक बाहर से ये जो एक जो स्पीयर है जिसको हम लोग बाहर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ लेके और जब आगे छोड़ते हैं और वो जा करके जब इस तीनों स्पीयर से टकराता है तो वो स्पीयर्स भी मूव करने लग जाते हैं. ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग कंक्लूड क्या कर पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर रुका हुआ रहता है या फिर मूव करता रहता है. कब तक, जब तक एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना ना लग जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं. एक बॉल है रेस्ट पोजीशन पे. ठीक है, कब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, जब तक कि एक फुटबॉल प्लेयर जो आकर के उसे पैर से किक ना कर दे. अगर उसने पैर से किक कर दिया फिर वो बॉल जो है वो आगे की तरफ मोशन में मूव करने लग जाता है. ठीक है, यानी रेस्ट पोजीशन पे था, फोर्स अप्लाई किया, वो क्या करने लग गया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, वो मूव करने लग गया. ठीक है, ये हो गया रेस्ट वाले के लिए. लेकिन मान लो यही बॉल जो है मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन इन्फिनाइट पोजीशन तक, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो इन्फिनाइट पोजीशन तक मूव करती ही चली जाएगी, अनंत काल तक वो मूव करती ही चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा. उसको रोकने के लिए, ठीक है, मतलब अगर ये बॉल जो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, जब मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ, उसको रोकने के लिए एक बाहर से दूसरा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. दोनों ही तरीके से, या फिर रेस्ट में है तो मूव करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे रोकने के लिए फोर्स चाहिए. एंड दिस इज सेड बाय अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, आई होप समझा होगा ये लॉ. चलो सेकेंड लॉ करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, डेफिनेशन रीड करते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied and the rate of change is in the direction of the force. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्ड्स हैं जो हम लोग को पता नहीं है. ठीक है, तो लेट्स ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड what does it mean. ठीक है, सबसे पहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फर्स्ट ऑफ ऑल what is this momentum, चलो पहले उसे समझ लेते हैं कि what is a momentum. ओके, सो मोमेंटम का डेफिनेशन, ऑब्वियसली हर एक चीज़ का डेफिनेशन होता है, तो वी हैव अ डेफिनेशन फॉर मोमेंटम. मोमेंटम को हम लोग डिफाइन डिनोट करते हैं बाय पी, स्मॉल पी. इट इज़ क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रेंथ. तो क्या एक्सप्रेस करता है ये, स्ट्रेंथ गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट
एंड इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे लेंथ होता है, लेंथ क्या करता है आपको बताता है कोई चीज़ कितनी लंबी है। ठीक है, आपको जैसे कि स्पीड होता है, स्पीड क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक किलो वन आर में कितना किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है। राइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, और उसी तरीके से एक क्वांटिटी है हमारी जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, अभी मोमेंटम क्या करता है, मोमेंटम बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, और कैसे बताता है, वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे नॉर्मली रुका हुआ ऑब्जेक्ट नहीं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बताता है कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, और कैसे बताता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मान लो ये बॉल आपको दिया हुआ है, इसका मास है m। ठीक है, इसका मास यानी उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो कितना है, m। ठीक है, और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस बॉल का जो मोमेंटम हो जाएगा वो होगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv। ठीक है, इसको और डिटेल में समझाने का मैं ट्राई करता हूँ, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसका एक मोमेंटम होता है, जिसे हम लोग कैसे ढूंढते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, नाउ सो न्यूटन सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। इन्होंने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जिस हिसाब से ये जो हमारा मोमेंटम है पी वो चेंज होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है यानी ये जो पी है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी पी जो है ये जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो क्या बोला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यानी क्या, ये जो पी जो है मोमेंटम वो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे। ठीक है, अभी कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है कितना, एम। ठीक है, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ विद अ वेलोसिटी वी। ठीक है, सो अब इस पे अपने आप तो ये ऑब्जेक्ट मूव होगा नहीं, ठीक है, अपने आप तो ऑब्जेक्ट मूव होने वाला नहीं है, आपको इसको मूव करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, कैपिटल एम ले लो, ठीक है, इसको भी मूव कर रहा हूँ मैं वेलोसिटी वी, तो इस केस में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था ये छोटे वाले बॉल को मूव करने के लिए, और ये वाले केस में और ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, ये वाले बॉल को मूव करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है तो उसका मोमेंटम यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली एक बड़े ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जो अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जस्ट नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, ये इंसान जो है वो क्या कर रहा है, एक बड़ा सा मास है, ठीक है, 400 kg का, ठीक है, इसको मूव करने का ट्राई कर रहा है, और इसको अपने फोर्स, अब बताओ ये वाले ऑब्जेक्ट जो 400 केजी का है इसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, एट द सेम टाइम अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 केजी इसको मूव करने के लिए कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही बोलना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि अगर मास ज़्यादा है और उसको वेलोसिटी मिल रही है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मास कम है और उसको वेलोसिटी मिल रही है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम लोग फोर्स जो उस बॉडी के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। इसके थ्रू ये न्यूटन सेकेंड लॉ यही बोलता है आपको कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द रेट ऑफ चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और साथ ही साथ लास्ट में उसने बोला है कि ये जो चेंज हो रहा है ना, रेट चेंज इन क्या बोलते हैं मोमेंटम, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि ये फोर्स आप देख रहे हो, ये फोर्स इंसान ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होने वाला है, दैट इज द सिंपल पार्ट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड लॉ, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर द थर्ड लॉ। नाउ कैट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके, दैट इज़ बहुत ही फेमस है, फिल्मों में सुना हुआ है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके, दैट सेज एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हर एक एक्शन फोर्स का एक इक्वल और एक अपोजिट, ठीक है, इक्वल होता है लेकिन साथ ही साथ अपोजिट भी रिएक्शन फोर्स भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इसको ईजिली मैं समझा सकता हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो एक इंसान जो है वो बोट चला रहा है। ओके, अभी बोट चलाने के लिए करते क्या है, यहाँ पे एक पैडल के थ्रू, ठीक है, हम लोग वाटर को पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है, वाटर को पीछे की डायरेक्शन में ढकेला जाता है। ठीक है, और उस फोर्स का यानी कि अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अब उस फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है, वो क्या करता है,
उसके ही बराबर, जिस जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके इक्विवेलेंट एक रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको आगे की तरफ धकेलता है। यानी कि मैंने एक फोर्स अप्लाई किया पीछे की डायरेक्शन में और उसका रिएक्शन फोर्स जो कि उसके ही बराबर था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस नाव को आगे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। अभी सेकेंड केस में यहाँ पर मैं एक कैनन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि अगर एक कैनन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में फिलहाल, तो फिर जब वो शूट करता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब वो कैनन शूट करता है तो कैनन के जो भी कंबशन होता है कंबशन की वजह से जो कैनन बॉल जो है वो आगे की तरफ पुश होता है, लेकिन साथ ही साथ जितने फोर्स से वो कैनन बॉल जो है वो आगे की तरफ पुश होता है उतने ही फोर्स से कैनन भी पीछे की तरफ एक झटका खाता है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल हमने अगर नहीं देखा हो तो गन के एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि जब भी गन फायर करते हैं तो एट द सेम टाइम जब बुलेट आगे जाती है तो जो शूटर होता है उसका हाथ जो है वो पीछे की डायरेक्शन में भी पुश होता है, ठीक है। इन सिमिलर वे एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, तो इन अवर डे टू डे लाइफ हम लोग हर रोज़ जो है वो इस फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अगर आप ज़मीन पर खड़े हो, ठीक है, तो ज़मीन आपके ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो ज़मीन पे खड़े हो तो, और ज़मीन आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो एक एवरी टाइम ये जो है थर्ड लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल हो ही रहा है, ठीक है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दुनिया जो है वो स्टेबल रह नहीं पाएगी। तो देयरफॉर थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो आप, ये आपके घर का एक वॉल है, ठीक है। अब इस वॉल पे अगर मैं अपने हाथ से एक फोर्स लगाऊँ, ठीक है, फोर्स अप्लाई करे जाऊँ तो क्या होगा कि क्या ये वॉल पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मैं जो अपना जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो इस दीवार के रिएक्शन फोर्स से काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। यानी कि ये जो रिएक्शन फोर्स है इस ऑब्जेक्ट इस वॉल का वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली मेरे फोर्स से, ठीक है। लेकिन कब तक, मान लो मैं बहुत ज़्यादा हल्की ताकत से इस पर फोर्स अप्लाई करने लग जाऊँ, ठीक है, तो शायद ये वॉल, अगर मैं इस रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ, ठीक है, जिस रिएक्शन फोर्स से क्या कर दूँ, ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई कर दूँ, तो ये वॉल जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव हो सकती है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मान लिया कि मेरा जो बॉडी है वो तो इसे मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मान लो एक बुलडोज़र मैं लेकर आऊँ, ठीक है, और इस बुलडोज़र से इस वॉल पे मैं फोर्स अप्लाई करूँ, तो ऑब्वियसली है कि ये जो बुलडोज़र का फोर्स है वो इस वॉल के रिएक्शन फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होगा और ये वॉल जो है ब्रेक हो जाएगा या फिर मूव हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोग को ये चीज़ समझ में आती है कि हर एक बॉडी जो है, हर एक दुनिया की जो बॉडी है, जब भी आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट एक रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। And this was yours Newton's third law, that is every action force has an equal and opposite reaction force. I hope आपको ये तीनों लॉ समझ में आएंगे और आप